नमस्कार, मैं हूं मुग्धा मिश्रा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर नो योर कंपनी। नो योर कंपनी रिजल्ट स्पेशल लेकर आए हैं हम आपके लिए। आज हमारे साथ रिजल्ट स्पेशल में होंगे डाबर इंडिया का मैनेजमेंट आरसीएफ और बीजीआर एनर्जी के मैनेजमेंट से भी बात करेंगे, जानेंगे उनके तिमाही नतीजे और आगे की योजनाओं के बारे में। लेकिन सबसे पहले डाबर इंडिया के सीईओ सुनील दुग्गल से बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर दुग्गल आपका। अगर आपकी सबसे पहले डाबर के नतीजों पर एक बार नजर डालें, मुनाफा हमने यहाँ बिक्री में अच्छी बढ़त देखी है, करीब 31% की बढ़त आई है बिक्री में और मुनाफा बढ़ा है करीब करीब 19.5%। एबिटा मार्जिन कुछ दबाव में आए हैं 13.5% के आसपास, जबकि पिछले साल ये करीब 15% पर थे। लेकिन यहाँ पर नतीजे एग्जैक्टली कंपेरेबल नहीं है क्योंकि हॉबी और नमस्ते ग्रुप का एक्विजिशन किया था यहाँ पर कंपनी ने। लेकिन यहाँ पर मिस्टर दुग्गल से बात करते हैं, समझने की कोशिश है कि क्या प्लान्स हैं उनके, क्या किस तरह का आउटलुक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मिस्टर दुग्गल बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल यहाँ पर अगर हम बात करें आय की ही, तो यहाँ बेहतर परफॉर्मेंस निकल कर आई है, मार्जिन्स पर दबाव की लेकिन क्या वजह रही है? ये इन्फ्लेशन करके है, क्योंकि इन्फ्लेशन जो हमारा मटेरियल्स में हुआ है करीब 11-12% का है और जो हमने दाम बढ़ाया है वो करीब 6% है, तो बाकी जो डिफरेंस है वो मार्जिन से निकला है। जिस तरह से रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ी हैं, क्या आपकी भी कीमतें बढ़ाने की कोई योजना है या फिर क्या आपने कीमतें बढ़ाई हैं? आउटलुक, नियर टर्म आउटलुक तो ऐसे ही होगा जैसे आपने फर्स्ट क्वार्टर का देखा है कि मार्जिन करीबन इतने एरोड होंगे। फिर एक और प्राइस इंक्रीज हमें लेना पड़ेगा करीब सितंबर अक्टूबर में और उसके साथ मार्जिन में कुछ थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा आपको सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में। आपने कहा आपने कुछ एक एक्विजिशंस भी किए हैं, तो इस तिमाही में बिक्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ का कितना कंट्रीब्यूशन है? ये जो ऑर्गेनिक बिजनेस का जो ग्रोथ आपको दिखाई दिया है करीब 13-13.5%, उसमें से वॉल्यूम है 8 और प्राइस है 5, प्राइस करीब 6 है और वॉल्यूम करीब 8 है डोमेस्टिक बिजनेस का, और बाकी जो है ग्रोथ सब 17% का वो ऑन अकाउंट ऑफ एक्विजिशंस। आपका जो इंटरनेशनल कारोबार है उसमें किस तरह की ग्रोथ देखने को मिली है? खाड़ी देशों में कारोबार में क्या कुछ रिकवरी हुई है? बोथ कंपनीज नमस्ते और हॉबी ने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है और प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं इवन आफ्टर जो इंटरेस्ट एलोकेशन हम करते हैं ऑन अकाउंट ऑफ द एक्विजिशन, तो परफॉर्मेंस दोनों का बहुत ही अच्छा है और आगे भी हम पूरी उम्मीद है कि ये बिजनेस को बढ़ाएंगे और खासकर अफ्रीकन मार्केट्स में ये दोनों कंपनीज का जो सेल्स ग्रोथ हमें दिखाई देता है वो बहुत ही अच्छा है। ऑलराइट, यहाँ पर अगर आपसे वापस से पूछे कि आपके इजिप्ट जो खाड़ी देशों में आपका आपका कारोबार है उसका परफॉर्मेंस किस तरह का रहा है? इंटरनेशनल बिजनेस का ग्रोथ करीब 13% था इस क्वार्टर में और 3-4% कम हुआ है ऑन अकाउंट ऑफ डिस्टर्बेंसेस जो लिबिया में, येमेन में, सीरिया और नेपाल में चारों जगह हुई हैं। नेपाल की सिचुएशन ठीक है मगर बाकी 3 कंट्रीज की अभी भी सिचुएशन अच्छी नहीं है और उम्मीद है कि अगले क्वार्टर में भी बिजनेस ये 3 मार्केट से नहीं मिलेगा, मगर जो 12% सेल ग्रोथ था उससे इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई देगा सेकेंड क्वार्टर में। हालांकि फुल पोटेंशियल जो इंटरनेशनल मार्केट्स का है वो करीब 20% ग्रोथ का हमारा एक्सपेक्टेशन था, वो सेकेंड क्वार्टर में भी शायद इतना नहीं होगा। अगर अलग अलग सेगमेंट्स की बात करें तो सेगमेंट परफॉर्मेंस कैसा रहा है? सबसे बेटर परफॉर्मेंस आपको कौन से सेगमेंट से देखने को मिला है? ओवरऑल जो आपको ग्रोथ सबसे अच्छी सेगमेंट परफॉर्मिंग सेगमेंट है वो फूड एंड बेवरेज है, जिधर करीब 32% का ग्रोथ मिला है। हालांकि हमारा ग्रोथ और भी अच्छा हो सकता था अगर नेपाल से सप्लाई ठीक मिलती। दूसरे नंबर पर होम केयर है जो 20-22% का ग्रोथ है, बहुत ही अच्छा ग्रोथ उधर से भी मिला है हमें। स्किन केयर का ग्रोथ करीब 16% का है, हेयर ऑयल्स का करीब 12-13%, तो मेरे ख्याल में शैम्पूज और हेल्थ सप्लीमेंट्स को छोड़ के बाकी सब कैटेगरीज पे हमें डबल डिजिट ग्रोथ मिला है। पर्सनल केयर डाबर के लिए एक बड़ा सेगमेंट है, वहां पर उस पोर्टफोलियो में किस तरह की ग्रोथ देखने को मिली है? फेम का बड़ा अच्छा सेल हमें दिखाई दे रहा है करीब 18-19%, वो जो ब्लीच पोर्टफोलियो है और हेयर रिमूविंग क्रीम का पोर्टफोलियो है दोनों बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, 18-20% ग्रोथ दिखाई दे रहा है और बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है ये।
उम्मीद है आगे भी के जो फेम का बिजनेस है वो अच्छा परफॉर्म करेगा और ओवरऑल स्किन केयर हमारा जो सेगमेंट है उसका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। आपने हाल ही में अजंता फार्मा से ओटीसी इंजीनियर एनर्जाइजर ब्रांड 30 प्लस खरीदा, किस तरह का परफॉर्मेंस इसका रहा है, कब तक हम इसका इम्पैक्ट आपके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर देखने को मिलेगा? नहीं, इस क्वार्टर में तो आपको दिखाई नहीं दिया क्योंकि हमने लॉन्च नहीं किया है, ये करीब थर्ड क्वार्टर में हम लॉन्च करेंगे, थर्ड नहीं तो फोर्थ क्वार्टर में डेफिनेटली लॉन्च करेंगे और उसका इम्पैक्ट कोई इस साल ज्यादा नहीं होगा क्योंकि हम फैग एंड ऑफ द ईयर में लॉन्च करेंगे, मगर अगले साल आपको दिखाई देगा। किसी अधिग्रहण की आपकी योजना है क्या और क्या कौन सा ऐसा सेगमेंट होगा जिसको आप टारगेट करेंगे इन एक्विजिशंस के लिए? नहीं, नजर तो है मगर ऐसा कोई क्लोज टू फाइनल तो कुछ बात हो नहीं रही और हम एक्विजिशंस इंडिया में भी और बाहर भी देखेंगे और हेल्थ केयर और पर्सनल केयर एरियाज में देखेंगे। ऑलराइट मिस्टर दुग्गल, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालकर अपने नतीजों पर हमसे बात करने के लिए। वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आरसीएफ के सीएमडी आरसी राजन होंगे हमारे साथ, उनसे भी बात होगी नतीजों पर।